हेलो फ्रेंड्स, नीलम रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम चटपटी मसालेदार लहसुन की चटनी बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। लहसुन की चटनी बनाने के लिए मैंने ये सूखी लाल मिर्च ली है। ये करीब 12 लाल मिर्च ली है मैंने। इन सूखी लाल मिर्चों का मैंने बीज निकाल लिया है ताकि इनका तीखापन कम हो जाए। कुछ बीज मैंने इनमें ही छोड़ दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन मिर्चों को गुनगुने पानी में 10 मिनट के लिए भीगने देंगे। तो इस तरह से मैं इनके ऊपर गुनगुना पानी डाल दूंगी और 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे इन्हें। 10 मिनट बाद देखेंगे मिर्ची हमारी पहले से ज़्यादा फूल गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। देखिए, अब हमें इन्हें पीसेंगे। मैंने यहाँ पर चटनी जार ले लिया है, इन सारी मिर्चों को इसमें डाल दूंगी। अब इसके साथ मैं लहसुन की कलियां भी डाल दूंगी। तो ये करीब मैंने 20 लहसुन की कलियां ली हैं, डाल देंगे इसको इसमें। इसके साथ मैं ये अदरक का टुकड़ा भी डाल दूंगी, बारीक बारीक काट लिया था मैंने इसको, करीब 1 इंच अदरक का टुकड़ा था ये। 1 चम्मच साबुत हरा धनिया डाल देंगे, 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। खटाई के लिए मैं यहाँ पे 1/4 कप दही डाल दूंगी। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब सभी चीजों को हम पीस लेंगे। हमारी लहसुन की चटनी पीस के तैयार हो गई है। इसका टेक्सचर भी देख लेते हैं। देखिए, पीसते टाइम मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच पानी डाल दिया था। अब हम इसे पकाएंगे। तो कढ़ाई गरम करके हम तेल डाल देंगे। करीब 3 से 4 टेबलस्पून तेल लिया है मैंने यहाँ पे। तेल के गरम होते ही हम राई डाल देंगे। राई तड़कने के बाद हम जीरा डाल देंगे, 1 पिंच हींग डाल देंगे। फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। अब हमने ये लहसुन और ये सूखी लाल मिर्ची का जो पेस्ट बनाया था वो सारा पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से ये सारी चटनी डाल दूंगी मैं इसमें। अब जार में थोड़ा सा पानी लेकर इसको भी डाल देंगे। अब इसे 10 मिनट तक लगातार चलाते रहेंगे। तो इस तरह लगातार इसे चलाएंगे। तब तक चलाना है इसमें जब तक इसमें से एक अच्छा कलर और एक अच्छी खुशबू नहीं आ जाती। बस इसी तरह चलाते रहेंगे इसको। देखिए, हमारी चटनी में पहले से अच्छा कलर आ गया है और थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है। अब हम इसे थोड़ा सा और ड्राई करेंगे। चटनी में से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। देखिए, हमारी चटनी में कितना अच्छा रिच कलर आया है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो एक सर्विंग बाउल में से निकाल लेंगे। आप इसे चपाती, पराठे या नान के साथ सर्व करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।